हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं ऐसा क्यों करके बैठी हूँ, क्योंकि आप देखिए धूप, और धूप में काम करते हुए मेरे स्किन सारे जो है टैन हो गए हैं। तो इसीलिए मैं आज कवर करके आई हूँ, और आपको मैं दिखा दूँ आज जो सब्जियाँ मैंने यहाँ ऊपर वाले सेक्शन पे लगाए थे। तो ये देखिए, मकई इतना बड़ा हो चुका है और इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो और यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर घुरा दी थी। देखिए ये करेला जो मैंने इनके बीज बोए थे, तो इनमें भी अभी जो है फ्रूटिंग्स चालू हैं। और ये देखिए स्नेक बिन के कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ लगाए थे, आई मीन शीड्स डाले थे, तो इनसे भी जो है अच्छी फल जो है अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं इन्हीं को जो है हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और आप क्लाइमेट देख सकते हैं, बहुत ही धूप, और ये देखिए मच्छर मुझे काट रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है मैं यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है चारों तरफ ये जंगली पत्ते जो है ये निकल के आए हैं। बट इनके बीच भी मेरे ये जितने भी प्लांट्स थे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये वाला जो मकई था, ये कीड़ों ने जो है इतना डैमेज कर दिया था, बट मैंने इनको जैसे तैसे जो है बचाया है। मैंने इन पे हैंड वॉश डेटॉल जो होता है ना, उनका स्प्रे किया था। तो उनके स्प्रे करने के 2 दिन बाद ही जो है इन्होंने ये जो है इनके लीव्स को छोड़ दिया, और इतने हेल्दी हो गए हैं। मैं उसका वीडियो जो है मैं नहीं बना पाई, बट मैं वो बातें जो है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरी टोकरी है जो मैं अक्सर हार्वेस्टिंग करते हुए मैं अपने साथ जो है लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम जो है सब्जियाँ ले लेते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो यहाँ मैं स्नेक बिन जो है मैं ले लेती हूँ, काफ़ी है इधर उधर, थोड़े ढूंढने पड़ेंगे। तो आज के लिए मेरा सब्जी जो है ये हो जाएगा, और उस साइड चलते हैं दोस्तों। तो आइए आप भी, और अभी मैं कैमरे को जो है मैं बैक करके मैं दिखाऊंगी, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कोई स्टैंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, और धूप ने तो जान ही निकाल दी है। बाप रे बाप, आज तो 5 बजे से जो है हमारे यहाँ धूप निकली हुई है। एंड ये देखिए सब्जियाँ, और ये गिर गया नीचे, और मच्छर भी काफ़ी है। अरे फिर से गिर गया, तो मुझे लगता है अभी इस तरह काम नहीं होने वाला है। और ये देखिए चींटियाँ भी यहाँ जो है खा रहे हैं इनको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा जो है इस तरह। तो चलिए कुछ करेला भी ले लेते हैं। तो इसका मज़ा ही कुछ और है, आप अपने बगीचे में जो है अपने मेहनत से कुछ जब उगाते हैं, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, बट बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अभी मैं इसको प्लेस करती हूँ नीचे, अभी यहाँ डालते हुए जाऊंगी। और यहाँ मेरा गिरा हुआ था, इसको भी मैं डाल लेती हूँ। और आप मच्छर देखिए, मच्छर तो क्या बताएं। और उस साइड में जाना पड़ेगा, अरे पूरा जल रहा है मेरा स्किन। अभी देखिए ये छोटे छोटे हैं, मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ नीचे आप देखिए, वहाँ कुछ और पोर्शन है, तो अभी वहाँ कुछ ज़्यादा सब्जी नहीं है, सारे ख़त्म हो गए। खीड़े वीड़े जितने थे वो सारे ख़त्म हो गए। और यहाँ मैं दिखा दूँ, देखिए करेला ये देखिए, तो मैं इनको भी तोड़ लेती हूँ। अरे ये तो टूटता ही नहीं। तो करेले को लेकर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दोस्तों, और इधर उधर होंगे बट अभी तो दिखाई नहीं दे रहे। और हाँ दोस्तों, कुछ भिंडी भी मैंने लगाए हैं,
तो चलिए भिंडी देख लेते हैं। तो आप मेरे पीछे जो है आसमान देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ मैं आ गई हूँ भिंडी वाले सेक्शन में, जहाँ बहुत सारे भिंडी लगे हैं, देखिए ये। और फूल भी जो है लगातार बन रहे हैं, और इनके साइज देखिए इतने बड़े बड़े हुए हैं, मैं इनको तोड़ भी जो है नहीं पा रही हूँ। निकल जा, ये देखिए, हाँ ये भिंडी मिली। और इधर भी जो है काफी लगे हैं, और ये तो देखिए ये थोड़ा मैच्योर हो गया है, तो इनको भी मैं मड़ोड़ मड़ोड़ के जो है मैं निकाल लेती हूँ। और सॉरी गाइज, काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये देखे यहाँ पर भी मुझे मिली। एंड ये छोटी छोटी ये जो है ये भी निकाल लेती हूँ। और नीचे देखते हैं, हाँ यहाँ पर भी एक जो है मुझे दिखाई दे रहा है, काफी जो है सख्त है, ये मिला। एंड हमारे घर में भिंडी जो है बहुत खाया जाता है, और इस बार तो हमने मार्केट से बहुत कम ही परचेज किए, क्योंकि इस बार दो तीन जो है मेरे बगीचे में होते रहे हैं। और यहाँ देखिए कद्दू, तो इनकी भी पत्तों की जो है सब्जी खाई जाती है, तो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से लिया था। अभी तक इसमें प्रोटीन्स तो जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से साफ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि छोड़ो अभी ये सब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रेस्ट लो, बट मेरा तो मन नहीं मानता। तो देखिए, एंड यहाँ देखिए, यहाँ पर सारे मैंने मकई लगाए हैं, और इनमें जो है अभी फल बनने शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा घना जंगल बन चुका है। तो कैमरे से थोड़ा बैक करके मैं दिखा, देखिए इनमें मकई लगने शुरू हो गए हैं दोस्तों, यानी मेरे मेहनत रंग ला ही गई, ये देखें। तो मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है इस जगह पे, पूरा ये जंगल पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ की बहुत अच्छे से साफ सफाई की पहले, फिर मिट्टी की गुड़ाई की, फिर मैंने बीज बोए, एंड रिजल्ट देखिए आप, इतने हेल्दी हेल्दी मकई इस बार मुझे मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड यही कहते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।